हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम एंड हयर एम बैक विद अनदर वीडियो तो टूडेज वीडियो इज अबाउट द इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज़ विच वी आर गोइंग टू डिस्कस तो हम काफ़ी सारे एम सी क्यूज अभी डिस्कस करने वाले हैं जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको काफ़ी सारे एम सी क्यूज अपने बेसिस पे प्रोवाइड करूंगा तो बहुत सारे एम सी क्यूज से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें सो so दैट उनको भी ये लास्ट मिनट रिवीजन का बेनिफिट हो जाए और उनको भी एग्जाम से रिलेटेड जो डर है अभी कि किस तरीके से हमें एग्जाम देना है या कैसे एम को हमें पढ़ना है उस बेसिस पे ये सारे सारे एम आपके लिए काफी हेल्प करने वाले हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग टीवाई बी कॉम सेमिस्टर सिक्स एक्सपेक्टेड एम सी क्यूज वी आर गोइंग टू डिस्कस चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है अंडर परचेस मेथड एनी एक्सेस ऑफ द अमाउंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन ओवर नेट एक्वायर्ड असेट्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी शुड बी रिकॉग्नाइज एज तो जो नेट अमागमेशन का हमारा चैप्टर है उसमें परचेस मेथड के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कैपिटल रिजर्व मिलता है गुडविल मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस या नन ऑफ द अबव तो आपको पता होगा कैपिटल रिजर्व और गुडविल ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से हमारे जो हमें ध्यान रखने अगर हम जर्ल एंट्री को ध्यान से देखें तो जरल एंट्री में हमें अगर डेबिट साइड बैलेंस आता था तो हमें उसको गुडविल लिखना पड़ता था और अगर हम आ, स, आ, क्रेडिट साइड बैलेंस आता था तो क्रेडिट साइड में हमें कैपिटल रिजर्व मिलता था ठीक है दैट इज द एंट्री ऑफ ऑसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है और सही आंसर है इसका गुडविल इसका मतलब आपका क्रेडिट साइड जो है क्रेडिट साइड जो है वो अमाउंट्स को हम अगर डेबिट साइड से माइनस करेंगे तो डेबिट साइड आपकी कम पड़ रही है अगर डेबिट साइड कम पड़ रही है तो हमें बैलेंसिंग फिगर मिलेगा गुडविल ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल फॉर फॉरेन करेंसी इज तो जो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन आपने पढ़ा होगा चैप्टर काफी सारे लोग भूल गए होंगे दैट इज द फॉरन एक्सचेंज जो जिसमें आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ट्रांजेक्शन्स के जर्नल एंट्री करते थे तो उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है ए एस इलेवन ए ए एस थर्टीन ए एस फोर्टीन या ए एस नाइनटीन ध्यान से पढ़ के रखना काफी इंपॉर्टेंट है तो इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ए एस इलेवन तो ए एस इलेवन इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर फॉरन करेंसी ट्रांजेक्शन तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं तो मैं आपको काफी सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इसलिए थोड़ा क्विकली करवा रहा हूँ तो किसे हम बोलेंगे टैक्सेस को बोलेंगे ड्यूज टू द गवर्नमेंट को बोलेंगे वेजेस एंड सैलरीज या ऑल ऑफ द अबाव तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो है लिक्विडेशन वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा लिक्विडेटर्स का जो उसमें ये पॉइंट है तो ऑल ऑफ द अबाव इज द राइट आंसर मतलब टैक्सेस

लिक्विडेटर स्टेटमेंट जो है दैट इज प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 156 देन द पॉइंट कम्स रिलेटेड विद अंडर राइटिंग ऑफ शेयर राइटिंग ऑफ शेयर्स वाला क्वेश्चन हाँ uh, uh, so, so, right के नॉट एक्सीड तो इन केस ऑफ शेयर्स कमीशन के नॉट एक्सीड थ्री परसेंट ऑफ इश्यू प्राइस सेवन पॉइंट फाइव परसेंट फाइव परसेंट ऑफ इशू प्राइस या टू पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ इशू प्राइस तो राइट आंसर फॉर दिस इज शेयर्स के केस में कमीशन जो है फाइव परसेंट ऑफ इश्यू प्राइस से ज्यादा नहीं हो सकता ध्यान रखना बिकॉज ये सारे बेसिक चीजें हैं जिसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस लाए हैं इसी बेसिस पे आपको आपकी जो एग्जाम होगी उसमें पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे थोड़ा इधर उधर ऑप्शन हो सकते हैं लेकिन कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसी की उसको पढ़ते मत बैठना आप कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको रिवाइज करना चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन विच हैज स्टैम्प ऑफ अंडर राइटर्स इज कॉल्ड तो ये भी अंडर राइटिंग ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स का क्वेश्चन है कि जिसके ऊपर एप्लीकेशन पे स्टैम्प है अंडर राइटर्स का उसे क्या बोला जाएगा अनमार्क एप्लीकेशन मार्क एप्लीकेशन स्टैम्प एप्लीकेशन या नन ऑफ द अबाउ तो राइट आंसर इज मार्क एप्लीकेशन तो जिस किसी पे भी अंडर राइटर्स का स्टैंप होगा उसे हम मार्क एप्लीकेशन बोलेंगे और जिसके ऊपर अंडर राइटिंग का स्टैंप नहीं होगा उसे हम अनमार्क बोलेंगे कंपनी नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ में ट्रू या फॉल्स तो कंपनी नॉट बिकम मेंबर ऑफ एल एल पी कंपनी का एल एल पी का मेंबर बन सकता है नो no. तो कंपनी नॉट बिकम मेंबर ऑफ एल एल पी इट्स फॉल्स ठीक है कंपनी नॉट बिकम मेंबर ऑफ एल एल पी बोल रहा है ध्यान से कंपनी कैन बिकम मेंबर ऑफ तो तो दैट इज पॉइंट ट्रू में जो पॉइंट है वो जरा ध्यान से पढ़ के उसका आंसर देना बिकॉज आप अगर जानते होंगे तो एल एल पी का मैंने लेक्चर लिया था तब मैंने आपको बताया था कि एल एल पी एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है जिसमें पार्टनरशिप के कुछ एडवांटेज और कंपनी के कुछ एडवांटेज ऐसे मिक्स करके एल एल पी नया स्ट्रक्चर एल एल पी एक्ट टू थाउजेंड एट फॉर्म किया गया है आगे बढ़ते हैं द लिक्विडेटर इज नॉट एंटाइटल टू क्लेम रेमुनरेशन ऑन कैश बैलेंस अनलेस अदरवाइज गिवन तो ट्रू और फॉल्स तो राइट right आंसर है ट्रू लिक्विडेटर इज नॉट एंटाइटल टू क्लेम एनी रेम्यूनरेशन जब तक स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा तब तक वो कमीशन नहीं ले सकता या रेम्यूनरेशन नहीं ले सकता फर्दर और सरप्लस अकाउंट इज प्रिपेयर एज पर लिस्ट तो जो आपका डेफिशियंसी और सरप्लस अकाउंट है वो कौन से लिस्ट के बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है एच ए बी या डी तो इसका राइट right आंसर है एच के बेसिस पे ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट तो डेफिशिएंसी और सरप्लस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एज पर लिस्ट एच नेक्स्ट इज गवर्नमेंट यूज दैट अरोज विद इन मंथ्स बिफोर द डेट ऑफ वाइंडिंग अप इज ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ट्रेड क्रेडिटर्स सिक्योर्ड क्रेडिटर्स या प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स तो राइट आंसर फॉर दिस इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ध्यान रखना तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इसका सही आंसर है आपको इसके ऊपर काफी सारे पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे पहले भी तो आपको इसके ऊपर भी क्वेश्चन अभी आ सकते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ठीक है चलो अगले पॉइंट में जाते हैं द क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द अमालगमेशन रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज सेंट्रल गवर्नमेंट या डायरेक्टर्स तो जो अमालगमेशन है उसके लिए हाई कोर्ट का अप्रूवल लेना बहुत जरूरी है तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप अमालगमेशन करोगे तो हाई कोर्ट का अप्रूवल इस

एज अ पर लाइबिलिटीजर्ड टू द बुक्स एट जब अमाल होगा तो जो अट्स ट्रांसफर होंगे वो कौन से वैल्यू पे ट्रांसफर होंगे मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू एग्रिड वैल्यू या नन ऑफ द अब द राइट आंसर फॉर दिस इज एग्रीड वैल्यू तो जो भी असेट्स होंगे जिसका जो एग्रिड वैल्यू रहेगा उसके बेसिस पे कैलकुलेशंस किया जाता है जैसे परचेस कंसिडरेशन में हम कैलकुलेट करते वक्त लेते हैं तो उसी के बेसिस पे वैल्यू है तो एग्रीड वैल्यू आपको ध्यान रखना है ठीक है कंफ्यूज मत हो जाना बुक वैल्यू में द बैलेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू तो जो आपका एफ बनता है इम्पोर्ट का केस हो या एक्सपोर्ट का केस हो दोनों के बेस में जो भी प्रॉफिट लॉस आता है दैट प्रॉफिट लॉस इज ट्रांसफर्ड टू एफ अकाउंट तो जो भी एफ अकाउंट का बैलेंस होगा वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा तो वो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व कैपिटल रिजर्व या एफ एफ ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस तो रिमेंबर थर्टी फर्स्ट मार्च को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हैं और जो हमें बैलेंस मिलता है वो बैलेंस हम कहा ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट पॉइंट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आर इंक्लूडेड इन लिस्ट तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कहा इंक्लूड किए जाएंगे लिस्ट सी में लिस्ट बी में लिस्ट डी में या लिस्ट ई e में तो राइट आंसर फॉर दिस इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स जो रहेंगे दैट विल बी इंक्लूडेड इन लिस्ट सी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं द एप्लीकेशन विच डोंट हैव है अंडर राइटर्स इज कॉल्ड तो आई थिंक काफी सिंपल क्वेश्चन है आपको इसका आंसर पता होगा कि जो एप्लीकेशन के ऊपर अंडर राइटर्स का स्टैंप नहीं है उसे क्या बोला जाएगा तो उसे बोला जाएगा अनमार्क एप्लीकेशंस और जो शेयर्स uh, के ऊपर अंडर का स्टैंप होगा उसे क्या बोला जाएगा उसे बोला जाएगा मार्क एप्लीकेशन तो इसका सही आंसर क्या है अनमार्क एप्लीकेशन नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर सेवनटीन ऑडिट ऑफ एल एल पी इज कंपल्सरी वेन तो लिमिटेड अलाइबिलिटी पार्टनरशिप मैंने काफी अच्छी तरीके से करवाया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अगर आपको कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो आप एल एल पी का वीडियो देख सकते हैं सो ऑडिट ऑफ ऑडिपी इज कंपल्सरी वेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सिड ट्वेंटी फाइव लैक्स टर्न ओवर एक्सीड्स फिफ्टी लैक्स टर्न ओवर इज लेस देन ट्वेंटी लैक्स नन ऑफ तो राइट आंसर फॉर दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सीड्स ट्वेंटी फाइव लैक्स जब आपका कॉन्ट्रीब्यूशन पच्चीस लाख के ऊपर जाएगा तब ऑडिट करना कंपल्सरी हो जाएगा आज का एटींथ नंबर का क्वेश्चन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज एन एक्साम्पल ऑफ अक्यूमलेटेड लॉसेज तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज अ फिक्टिशियस असेट इट इज अ अनियस एक्सपेंडिचर तो ये सही है या गलत है तो ये बिल्कुल सही है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ये वो बिल्कुल सही है दैट इज इज ट्रू आगे बढ़ते अ अ पर्सन एक्ट एज एन अनलेस ही होल्ड्स सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय एक पर्सन जो है वो अंडर राइटर नहीं बन सकता अगर उसको सर्टिफिकेट उसके पास नहीं है जो ग्रांट किया जाएगा उसको सर्टिफिकेट या उसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कौन उसे सर्टिफिकेट देगा आरबीआई सेबी रजिस्ट्रर ऑफ कंपनीज या मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, तो इसका सही आंसर है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया विच इज कॉल्ड एज सेबी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एल एल पी कैन बी डिजॉल्व बाई द ऑर्डर ऑफ तो एल एल पी जो है वो डिजोल्ड हो सकती है हाईकोर्ट के ऑर्डर से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से रजिस्ट्रर ऑफ कंपनीज के ऑर्डर से या एनसीएल एनसीएल इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल तो इसका राइट right आंसर है NCLT. पेपर में आपको फुल फॉर्म पूछा जा सकता है अगर ऐसे कोई टाइप से क्वेश्चन आया तो दैट इज कॉल्ड नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ठीक है उसके बेसिस पे एलएलपी एल हो सकता है और आज का लास्ट क्वेश्चन है दैट इज ट्वेंटी वन नंबर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू तो दिस इज रिलेटेड विद योर अमालगमेशन जब हम अमालगमेशन में ओल्ड बुक्स को क्लोज करते हैं तब हम रियलाइजेशन अकाउंट को जब क्लोज करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट का जो बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर होता है क्या वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर होगा न्यू कंपनी में ट्रांसफर होगा रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर होगा या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो रिमेंबर दैट इज बीन ट्रांसफर्ड इक्विटी शेयर होल्डर्स में वो ट्रांसफर होगा भले प्रॉफिट हो या लॉस हो कोई भी हो इक्विटी शेयर होल्डर्स में ही वो ट्रांसफर होगा तो यही कुछ आज के क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए मैंने काफ़ी फटाफट फटाफट आपको यह डिस्कशन करवाया है इसका पीडीएफ मैं आपको शेयर करने वाला हूँ अभी और एक क्वेश्चन बाकी है वो कंप्लीट कर लेते हैं पहले वेन द बेनिफिट ऑफ फर्म अंडर राइटिंग इज नॉट गिवन टू द अंडर राइटर्स फर्म अंडर राइटिंग इज ट्रीटेड एज अनमार्क एप्लीकेशन फर्म अंडर राइटिंग इज ट्रीटेड एज मार्क एप्लीकेशन फर्म अंडर राइटिंग इज इग्नोर्ड जब बेनिफिट ऑफ फर्म इज नॉट गिवन जब बेनिफिट नहीं दिया जाएगा तो जो फॉर्म अंडर राइटिंग रहेंगे वो ट्रीट किए जाएंगे अनमार्क एप्लीकेशन ठीक है ध्यान रखना है तो और एक हमारा ट्वेंटी टू नंबर का भी क्वेश्चन हो चुका है तो आपको क्या करना है सबसे पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर में से और टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद टेलीग्राम में चैनल ढूंढना है लास्ट मिनट रिव्यूजन विद आर उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला है वहाँ से आप सीधा ज्वाइंट हो जाओगे सबसे पहले आप टेलीग्राम डाउनलोड कर ले फिर वो लिंक पर क्लिक कर ले आप ज्वाइंड हो जाओगे वहाँ पर मैं ये सारे पी शेयर करने वाला हूँ जितने भी मैं एम के लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड करूंगा उसका कंबाइंड पीडीएफ मैं आपको शेयर करने वाला हूँ तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कर ले लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस टेलीग्राम पर जाके ताकि आपको एग्जाम रिलेटेड जो एम के बेसिस पे अगर पेपर लिया जाएगा तो ये आपको उसी का अच्छा तरीके से बेनिफिट मिल पाएगा थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन अगली बार मिलेंगे कुछ नए एम सी क्यूज के बाद टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर